धीरज साहू के ठिकानों से मिले काले धन को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो कांग्रेस पर हर मोर्चे से अटैक कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत ऐसी कि वो समझ ही नहीं पा रही कि वो अपने नेता को डिफेंड करे तो कैसे करे, क्योंकि पहले कांग्रेस ये कहकर ईडी या इनकम टैक्स की रेड का विरोध कर देती थी कि यह सब कुछ उनके नेताओं को परेशान करने के लिए हो रहा है। लेकिन धीरज साहू ने कांग्रेस को करप्शन के मोर्चे पर बुरी तरह से उलझा दिया है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। धीरज साहू के नाम से कांग्रेस जितना बचने की कोशिश कर रही है उतना ही उलझती जा रही है। इस वक्त कोई ऐसा शहर नहीं जहां बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा न खोल रखा हो। भ्रष्टाचारी कांग्रेस, देश के लुटेरी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी, मुर्दाबाद। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और गिनते गिनते आईटी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी थक गए और अभी तक जारी है। कांग्रेस पार्टी का परिचय का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है। बलदेव सिंह साहू, इनका लीकर का बिजनेस, उनके भाई धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस के 3 टर्म के एमपी, राज्यसभा के एमपी, इनके अलग अलग स्थानों पर जब जांच की तो सामने आया हर गोडाउन में भरा हुआ है नोटों की गठरियां। और हम तो मांग करते हैं कि कांग्रेस ने नोटबंदी का विरोध किया लेकिन अपने काले करतूतों से पूरी नोट की गठरियां बांधकर अपने गोडाउन में रखते हैं। ऐसे कांग्रेस को जो नोटबंदी का विरोध करती है उसको गांवबंदी किया जाए, शहरबंदी किया जाए। मोदी सरकार की यह गारंटी है कि जहां जहां काला धन होगा वहां वहां प्रहार होगा। बीजेपी धीरज साहू के घर से मिली बेनामी संपत्ति को काले धन से जोड़ रही है और इनकम टैक्स की छापेमारी को काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी चोट बता रही है। क्योंकि अब तक कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये कहते हुए सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते थे कि ईडी और इनकम टैक्स की जांच सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है, लेकिन जिस तरह से धीरज साहू के घर ये कुबेर का खजाना मिला है उससे कांग्रेस खुद सवालों के चक्रव्यूह में फंसती दिखाई दे रही है। सवाल नंबर 1, धीरज साहू के पास इतनी दौलत है क्या इसका अंदाजा कांग्रेस को पहले से नहीं था? सवाल नंबर 2, क्या धीरज साहू जैसे खिलाड़ी इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में वोट को मैनेज करने के लिए करते हैं? सवाल नंबर 3, धीरज साहू के घर से मिले इस खजाने में क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का भी हिस्सा है? दरअसल 2024 के आखिर में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक भी गलती झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। और ये बात बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में साफ भी कर दी है, जहां हर कोई भूपेश बघेल को मजबूत मानकर चल रहा था, वहां बीजेपी ने उन्हें महादेव ऐप के ऐसे चक्रव्यूह में उलझाया कि बघेल का नाम तो खराब हुआ ही, सरकार भी चली गई। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। दरअसल अब तक जितनी भी बड़ी नकदी इनकम टैक्स या ईडी की छापेमारी में बरामद हुई है उसमें अब तक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन की बात ही होती रही है। ऐसा उस वक्त हुआ था जब दिसंबर 2021 में यूपी के कन्नौज में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर में ईडी को काले धन का पूरा साम्राज्य मिला था। तब बीजेपी ने पीयूष जैन का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वो पीयूष जैन को जानती तक नहीं है। लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी ये साबित कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
और 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। अब बीजेपी के पास कांग्रेस को घेरने का वैलिड पॉइंट है, क्योंकि धीरज साहू न सिर्फ 3 बार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, बल्कि उनके बड़े भाई शिव प्रताप साहू भी कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके हैं। ये कांग्रेस पर ठप्पे की तरह लगा हुआ है, जिसे वो चाह कर भी हटा नहीं पाएगी। ABP News आपको रखे आगे।